गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा ब्लॉग। आज हम बना रहे हैं न्यू पराठा रेसिपी। चलिए दिखाती हूँ कौन सा पराठा बना रही हूँ। आइए हम बनाएंगे चीज पराठा। ये हमने घर पे बनाया हुआ चीज है, इसे हम चलिए कद्दूकस करेंगे। ये हमने कद्दूकस कर वाला ले लिया है, अब इस पे हम इसे रगड़ के कद्दूकस कर लेंगे। देखिए गाइस हमने कद्दूकस कर दिया, ऐसे ही करना है कद्दूकस। चीज हमारी रेडी हो चुकी है, देखिए गाइस इसे कद्दूकस कर लिया है अच्छे से। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, हमने चिली फ्लेक्स डाला है, थोड़ा चटपटा होगा पराठा हमारा। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। हमने आटा लिया है गेहूँ का, अब इसमें हल्का सा नमक डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल के अब गूंथ लेते हैं। एक चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है, अब इसे हम गूंथेंगे। हल्का सा नमक भी डाल दिया था। मैंने आटा रेडी कर दिया है, अब चलिए पराठा सेकते हैं। गैस लोई काट लिया है, अब इसे हम ऐसे बना लेंगे कटोरी के जैसा। अब इसमें हम भरेंगे स्टफिंग जो हम बनाए हैं चीज का, इसमें हम भर देते हैं। अब इसे हम रोल रोल करके इसे बंद कर देंगे। हमने भर दिया इसे, अब इसे हम ऐसे बेल लेते हैं। जैसे हम आमतौर पे आलू का पराठा बनाते हैं वैसे ही अब इसे बना के सेकेंगे। हम बेल चुके हैं, देखिए अब इसे चलिए सेक लेते हैं। यहाँ पे हमने रोटी डाल दिया है बेल के, ऑयल लगा लेंगे दोनों तरफ। जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं वैसे ही दोनों तरफ सेक के तेल लगाएंगे। गैस ऑयल लगा दिया है, आप घी ऑयल चाहे रिफाइंड ऑयल लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं हल्का सा। हमारा चीज़ पराठा रेडी है, देखिए कितना फूला फूला हो रहा है। देखिए हमारा पराठा रेडी हो चुका है, ऐसे ही बना लेंगे। पराठे रेडी कर चुके हैं, चलिए इसे भी हम रेडी करके निकाल लेते हैं। गाइस हमारे चीज़ के पराठे रेडी हो चुके हैं। आपको कैसा लगा पराठा रेसिपी कमेंट में बताएं। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।